अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट, आपके लिए आज कंप्यूटर स्टडीज़ फॉर क्लास 10 का इम्पोर्टेंट सवालों पर मुश्तमिल गैस पेपर हाजिर है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले मैं मैट्रिक क्लास के तकरीबन सारे गैस पेपर डाल चुका हूँ। आप उनको वॉच कीजिएगा जो आपको ज़रूरत हो, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाकर उनको वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा 9th क्लास के भी मैंने डाल दिए हैं। अपने दोस्तों और साथियों को शेयर कीजिएगा। आज का जो हमारा ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसके अंदर दो तरह के आपको सवाल मिलेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी डिटेल वाले। शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। आप देख रहे हैं ये 1 से लेकर 35 तक है टोटल। आप इनको पॉज करके देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं इसका PDF भी डाल दूंगा, तो आप उसको डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो शॉर्ट क्वेश्चन के सिलसिले में आपको स्क्रीन के ऊपर 1 से लेकर 15 तक सवाल लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। आप इनको देखें, उसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा इन तमाम सवालों की 1 से 15 तक, ठीक है। देख लें, आप पॉज कर लें, ओके। आगे चलते हैं। अब स्क्रीन पर आपको तकरीबन जो है 24 तक लिखे हुए सवाल नज़र आ रहे हैं, 24 तक, ठीक है। 16 से लेकर 24 तक आप देख सकते हैं, वॉच करें। मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे सवाल आप याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 100% इसमें से आपके नंबर आ जाएंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला आप बड़े कामयाब हो जाएंगे। इनको याद करिएगा लेकिन, ओके। अब आप आगे देखें। अब आपको 25 से लेकर 35 तक लिखे हुए पूरे नंबर नज़र आ रहे हैं, तो बेटा ये तो होगा हमारे शॉर्ट सवाल, ठीक है। 1 से लेकर 35 तक मैंने कर दिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है सब, आप इनको याद कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको 10 सवाल जो करने होंगे लाजमी तौर पर आ जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको 10 करने हैं। उसके बाद आप आ जाए डिटेल आंसर की तरफ। 1 से लेकर 12 तक आपको टोटल सवाल लिखे हुए नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। आप इनको वॉच करें, इसके मुताबिक तैयारी करें। इसमें आपको 3 सवाल करने पड़ेंगे। 6 नंबर का एक सवाल होगा, 3 नंबर के 18 नंबर के सवाल होते हैं आपके, ओके। तो ये होगा हमारा डिटेल आंसर। इसके बाद जो है एक नोट लिख दिया मैंने MCQs के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि MCQs आपके आएगी। तो MCQs आपके मॉडल पेपर के मुताबिक तकरीबन 12 आएंगी, ठीक है, 12 नंबर की। तो चुनाचे आप यहाँ देखें कि मैंने नोट लिख दिया है कि ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेमोराइज MCQs फ्रॉम देयर 10 years सो दैट दे गेट 100% मार्क्स। रिमेंबर MCQs ऑफ एटलीस्ट 5 years, ठीक है। तो मतलब ये है कि तमाम स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने 10 years से कम से कम 5 साल की MCQs ज़रूर याद कर लीजिएगा। चूँकि किताब नहीं आई है, इसलिए आपके जो 10 years हैं मुख्तलिफ पब्लिशर्स के, उनमें मॉडल पेपर्स वगैरह दे रखे हैं। तो आप 5 साल के मॉडल पेपर्स की MCQs ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह आपके 100% नंबर हो जाएंगे पूरे। 60 नंबर का आपका मॉडल पेपर में गिवन था, तो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ों की वजाहत कर दी है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करना मत भूलें। दूसरी ये कि अपने दोस्तों को, साथियों को, रिलेटिव्स को शेयर करें, ताकि उनको भी मालूमात में इजाफा हो और वो भी इसके मुताबिक तैयारी करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके आइंदा से, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।